अली हैदर साहब को आपने समाप्त फरमाया है। सब ज्यादा मैं तां क्या दिता है तैमी बाद अटैक ही ना कर देना भी डॉक्टर का पुत्र साहब ज्यादा बना छड़िया से वो एक जगह पे बैठे साथ होशा जी वो असी सारे बैठे थे पर एक बंदा दौड़ा कहता खड़े हो जाओ। मैं क्या होया उन्हें कहा साहबजादा साहब आ गए। मैं क्या उन्होंने अंदर आन दे वो आन गए थे असी खड़े हो जाएंगे। कहता क्यों नहीं खड़े होते। मैं क्या असी भी साहबजादे हैं। कहता वो पीर साहब के साहबजादे ने। मैं क्या मैं हजरत आदम का साहबजादा। अल्लाह तआला सानू समझ दी तौफीक अता फरमाए। मेरे टीम नू मैं दिल दी हथा गदाइयां नाल करोड़ा बार मुबारकबाद पेश करांगा। इस मस्जिद शरीफ दी तमाम इंतजामिया रज़ाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तमाम नमाजी अहले मोहल्ला और बिलखसूस साडे सारे वीर जिन्होंने इस महफिल नू सजाया है मैं सब नू सलामे अकीदत पेश करांगा। मसनद ए सदारत ओ क़यादत ओ सियादत महताबे तरीकत शाह सवारे मैदान मोहब्बत गुले गुलशन अली फखरो सादात शहजादा गौसल वारा हजरत शाह सवारे मैदान मोहब्बत पीर सैयद अली हसनैन शाह साहब गिलानी अल हसनी वाल हुसैनी दामत बरकात मुकद्दसिया जिब जीनत दरबारे गोहरबार पुरनवाल हजरत हुसैन आबाद शरीफ अल मारूफ उदिया शरीफ। मैं शाही किबला को वेलकम करता हूँ जी खुश आमदेद पेश करता हूँ। जितने सादात मशायख क्योंकि नामों से मेरी वाकफियत नहीं मैं सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहूँगा। महफिल नात के हवाला से यहाँ पर डॉक्टर साहब ने और इनकी टीम ने उन चीदा चीदा लोगों को भी दावत दी है जिनको अल्लाह ने यह तौफीक दी है कि हर बंदा अपने घर के सहन में या बाजार में या आयाते में या ग्राउंड में हजूर के जिक्र को सजाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में तमाम मुंतजमीन महफिल नात बानियाने महफिल नात यहाँ पर तशरीफ फरमाए। मैं फर्दन फर्दन सबको वेलकम करूँगा। मेरे भाई चौरी नबील वलैस साहब अपनी टीम के साथ इनकी दावत पे यहाँ पे तशरीफ लाए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे बड़े प्यारे भाई तनवीर मिशाई साहब और उनकी पूरी टीम माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद है मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। और दूर दराज से जितने अहबाब तशरीफ लाए मैं सबके लिए हमारे बेटा खुश आमदेद कहता हूँ जी। अलामा किबला जलाली साहब और जितने हजरात कर साहब किबला बहुत शुक्रिया। और मेरे मसलक दी अजीम बहार जिन्होंने मैं अक्सर देखे है कि दरिया को कूसे में बंद नहीं करते समंदर को ही बंद कर देते समंदर बंद कर देते हैं। मेरे बरादर मोहतरम अलामा जफर इकबाल फारूकी साहब हूँ बंदा होवे भी फारूकी तो फिर भी आखो तू हो गए हैं मेहरबानी फरमाया करो बहुत शुक्रिया। मैं नौकरी के चंद अशार पेश करता हूँ और यकीनन मैं ताड़ियाँ अज आनियाँ जानिया वेखता रहा कि किधरों की आ रहे तो किधरों की जा रहे हैं। वजह एक है आई लव यू थोड़े नाल साढ़े भाई हो और मैं चंद मिसरे पेश करते हुए अपने दुनिया नाथानी में उस कलंदराना तबीयत के सना खान को दावा दे रहा हूँ जिनके बोल में मोहम्मद वाले मोहम्मद की सना जिनकी आंख में मोहम्मद वाले मोहम्मद का हया जिनकी सोच में फिक्र में शऊर में इदराक में विजदान में वजद में इरफान में अल्लाह ने मोहम्मद वाले मोहम्मद असहाबे मोहम्मद की शाना रखी है कभी कलम की सूरत में कभी जुबान की सूरत में। मैं दुनिया नाथानी का वो शहजादा जो हर दिल पर हुकूमत करता है सिर्फ नाम का हाकिम नहीं किरदार का भी हाकिम है क्योंकि इन्होंने हमेशा ये कहा है कि असल से हाकम आप है सोना मैं हाकम थे वक्ती इतनी सोच रखने वाले अजीम भाई को मैं वेलकम करता हूँ। मेरा मकसूद अहमद अली आगम साहब से है खुश आमदेद कहता हूँ। और यकीन करें आप लोगों ने जिस कदर आज मेहमानों का डॉक्टर साहब आपकी टीम ने इस्तकबाल किया है हर मेहमान को इज्जत और बख्शी है। नसीर मिल्लत चिरागे गुलड़ा पीर से नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब फरमाते हैं शाफी को अलील कौन कर सकता है सखी को बखील कौन कर सकता है जिसे वो इज्जत देना चाहे नसीब फिर उसे जलील कौन कर सकता है। यह इज्जत यह कमाल दरे सैयद अज़हरा से नसीब होती हैं। जितने सादात बैठे हैं मैं कदमों पे हाथ रखते हुए एक जुमला आपके हवाले करता हूँ उसके बाद एक दो कलामों के लिए मुझे शिद्दत से हुक्म है बड़ी इख्तिसार के साथ हाजिरी पेश कर दूंगा और इजाजत लूंगा भाई को सुनते हैं बैठ के। लेकिन ये मेरा अकीदा है कि मुस्तफा वाले मुर्तजा वाले
सोच के बोलना, सोच के अकीदा इजाजत देवे दिल तो बोले ते फिर लबां ते आधार करना, वरना अली का तर्ज जिंदगी मुनाफकत की मौत है। बस याद रखना ज़हन में, अली का तर्ज जिंदगी मुनाफकत की मौत है। ए ना होवे कि रुपये वेखे अली अली करिए ते बाहर जाके फिर कुछ और करिए, ना जेदा दिल अकीदा इजाजत देवे ते घरों जदी मां ने उन्हें दस्या होवे पुत्र शनाख्ती कार्ड जेब च रख या ना रख, ये पहचान नहीं तेरी, जिक्र अली तेरी हलाली होने की पहचान है। उधर हाथ उठा के सुभान अल्लाह की आवाज देगा, मुस्तफा वाले मुर्तजा वाले साडे वारस ने करबला वाले, मुस्तफा वाले मुर्तजा वाले साडे वारस ने करबला वाले, सैयदां दा हया ओही करदे ने जेड़े बंदे ने हया वाले, सैयदां दा हया ओही करदे ने, सैयदां दा हया ओही करदे ने जेड़े बंदे ने हया वाले, क्योंकि तारीफ के मोहताज नहीं आले मुहम्मद। या तेरे रुपये वेख लो या मैनू वेख लो, चंगे भले समझदार बंदे रुपये वाल वेखन लग गए, वो खुदा दे बंदे दा रौला ही नहीं, क्योंकि रिस्क देते हैं, माल देते हैं, हसरत दिल निकाल देते हैं, मैं भला किसी से क्यों मांगू, मुझको तो सैयदा जहरा के लाल देते हैं। अल्लाह दे घर खड़ा शाह जी मैंने एक बंद ने जमाने वास्ते कि एवं गल्ला करता या पक्का बंदा है, रुकी साहब ने मैंने दावत दी सकाट लैन की तरफ चला गया, कुछ छे घंटे का मेरा सफर, जो मैं वापस आया उन्हें मेरे जेना पाउंड मेरे लफाफे के इतने क पाउंड पाए भी तेल भी पूरा ना होया, जो वापस मैं अद्धे च फोन करता रिजी साहब भुलेखा लग गया, मैं क्या की होया, कहिंदा यार तेरा लफाफा बदलिया गया, मैं क्या फिर, कहिंदा अकाउंट नंबर दे पैसे भेजा, मैं अकाउंट नंबर दे छड्डिया, उन्हें अज तक नहीं भेजे, असा भी दोबारा उन्होंने कॉल नहीं की। जो पाकिस्तान एयरपोर्ट से उतरे एक बंदा मैंने मिलया, मैंने कहा रिजी साहब ए मेरे वीर ने पैसे भेजने तेन जमानदार पिया से पक्का है कि कच्चा है, एवं शेरो शहरी के या मिम्बर तक खलो के गल करन दा कीदा रखता है, या दिल भी इजाजत दिता है कि रब्बे काबा की इज्जत की कसम रुक जाए अगर मादरे हसनैन की चक्की, रुक जाए अगर मादरे हसनैन की चक्की, कौनैन को फिर रिस्क अता कौन करेगा, कौनैन को फिर रिस्क अता कौन करेगा। तवज्जो रखना, जमीन हवा फता खला अतार सोरा मरीद मुस्तरी आसमान चांद सूरज तारे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा जन्नत सिदरा अर्श आदम ला मकान सब कुछ नीचे है आका के नाले जहाँ पे किबला मुफ्ती साहब ने अपनी गुफ्तगु छोड़ी। मैं आगे तो शुरू नहीं कर सकता लेकिन खैरात तो ले सकता हूँ सैयदों के दर से, तवज्जो रखना हजरात सब कुछ नीचे आका के नालेन ऊपर, हजरात नालेन कदमैन मुस्तफा में होते हैं, हसनैन कभी सीने पे होते हैं कभी पुश्त पे होते हैं, लेकिन तवज्जो जमीन नीचे हवा ऊपर हवा नीचे फला ऊपर फला नीचे खला ऊपर खला नीचे अतारब जोहरा मरीद मुस्तरी आसमान चांद तारे सिदरा अर्श आदम सब कुछ नीचे है आका के नालैन ऊपर है। जब नालैन का ये कमाल सादी शेराजी ने देखा तो कह दिया बलगालु लावे कमाल है, कशफत तो जावे जमा नहीं हसनत जमी जो खिसाल ही आगे नहीं आया। जेडे लिखने बैठे सन ना रुबाई मुकम्मल नहीं हुई, लिखदे नहीं हुई, फिर लिखा नहीं आया, फिर लिखा नहीं आया, इतना लिखा कि चौथा मिसरा तो नहीं आया, लेकिन आंखों में आंसू आए, सो गए, जब सोए ते सुफने अंदर मेरा माही मिलया, ते मैं कल विच पालिया भावा डरदी मारदी अख ना खोला किते फिर भी छड़ ना जावा, साईं अरशाद फरमाया सादी जी मेरे होंदे होया तुसी रोवो, सुनाओ क्या लिखा है, खा में सुना रहे बालागालुला दे कमाल ही कशफत तो जा बे जमाल ही हसना जमीयो, बस इत्थो तक हुजूर ने फरमाया चुप क्यों, लिख कि करम के बाद नबी का शरीक होता है, करम के बाद नबी का शरीक होता है, करम के बाद नबी का शरीक होता है, लाख बिगड़ा हुआ काम ठीक
होता है। दरूद मोहम्मद आले मोहम्मद की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। देते हुए अपने भाई के माइक वाले करता हूं, लेकिन तवज्जो रखना, सल्लु अलैहि ऊंची की आंख है वाली आंखों में, सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि, इनको नीचे नहीं फेंक सकता, सैयद के हाथ लगे ये नियाज है सादात की तरफ से, चाहे दुनिया का बहुत बड़ा लालची को जाना जे बेची नहीं हाथ लग गया सैयद बादशाह दा, लेकिन तवज्जो रखना सल्लु अलैहि वाल अल्लाह की बारगाह में सवाल गुरु की छाप, अल्लाह जी खाते हो नहीं, पींदे हो नहीं, सोंदे हो नहीं, उठते हो नहीं, बांधे हो नहीं, मां है नहीं, बाप है नहीं, आवाज चुप लम जाने वलम जु लम, मौला की करना है, आवाज आई इबादत करो, मैं माबूद तुम आबिद, मैं मसूद तुम साजिद, हज करो मेरे घर का, इसलिए सब कुछ तुम्हें ऑर्डर है। मौला तू क्या करता है, आवाज आती है, मैं तो एक ही काम करता हूँ, हर वक्त मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भी भेजता हूँ सलाम। सल्लु अलैहि वाले सल्लु, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बात तवालत में चली जाएगी, इस मेरे भाई ने मुझे एक हुक्म दिया है, उसकी वजाहत करना चाहता हूँ, बड़े प्यार से सुनिएगा। मेरी जन्नत मेरी माँ के कदमों के नीचे, तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे, बोलेगा वो जिसकी माँ की जन्नत सैयद अज़हरा के कदमों के नीचे, जिसकी माँ की जन्नत सैयद अज़हरा के कदमों के नीचे, क्योंकि रुक जाए अगर मादरे हसनैन की चक्की, कौनैन को फिर रिस्क अता कौन करेगा, और जमाने भर में जो बट रहा है, भाई ने हुक्म दिया था, फिक्र मेरा कुछ और था, जेन मेरा कुछ और था, लेकिन मैं तामील कर रहा हूँ अपने भाई के, और वास्ता दे के कहा है, तो सुनिएगा क्या कि ऐ छबी ने मुस्तफा इतना तो बता, ऐ छबी ने मुस्तफा शाजी इतना तो बता, कितने सजदों का सिला है जनाबे सैयद आज़हरा, ऐ जबीन मुस्तफा इतना तो बता, कितने सजदों का सिला है जनाबे सैयद आज़हरा, क्योंकि हिजाबो इस्मत से इज़्न लेकर मैं शान बिनते रसूल लिखूं, कलम के ऊपर नकाब देकर अदब से लफ्ज़े बतूल लिखूं, कलम के ऊपर नकाब देकर अदब से लफ्ज़े बतूल लिखूं, ज़माने भर में झपट रहा है, है तेरे घर का अनाज ज़हरा, है मुस्तफा दा चैन ते करार ज़हरा, मौला अली दी शान दा सिंघार ज़हरा, ज़हरा जदों वी आई खड़े हो गए हुजूर, इनू तासीम आखा जाके प्यार ज़हरा, बड़िया बड़िया बाबावां मैदान च उतर आईयां, शाजी कुछ टेलीफोन ते गल करांगे, किसे नू लिया के इंज बीबी पाक दे मुकाबले च खड़ा कर देना, लेकिन मेरी गल याद रखना, कुछ बातें ऐसी होती हैं पर से मिंबर पे कहीं की नहीं जाती, नमक करने का आदि हूं, लेकिन बात जब से यो क्लिप देखा है, कलेजा कितनी बार फटा है, कितनी बार आंखों में आंसू आए हैं, कितनी बार जी चाहा है कि अब खलवत नशीनी कर ली जाए, लेकिन फिर मजबूर हो जाते हैं, अगर हम मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र नहीं करेंगे तो फिर कैसे हमारी नस्लें संभलेंगी, इसलिए सुनिएगा कौन है ज़हरा, कौन है ज़हरा, कौन है ज़हरा, हजार मर्तबा भी आए मेरे नबी खड़े होकर जिसका इस्तकबाल करे उसे सैयद ज़हरा कहते हैं, मेरा नबी जिसके लिए अपनी मस्नद छोड़ दे उसे सैयद ज़हरा कहते हैं, जिसका पुत्र पाक अंदाज में मेरे आका इस्तकबाल फरमाए उसे सैयद ज़हरा कहते हैं, क्योंकि शबीरो सबर दी अम्मी ज़हरा नबी दे घर में थे जन्नी ज़हरा, मकाम तेरे नु कौन समझे फरिश्ते तेरे ने कमी ज़हरा, तेरे भाके ते भुख दा सदका मैं खाना शामी ते ज़हरा खुदा नु सजदे करा दी खातिर रात मंगदी है लम्मी ज़हरा, परदे दिया दे कच्चड़ वाली जनाबे ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा, परदे दिया दे कच्चड़ वाली जनाबे सैयदा ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा, असां आसियां दी लाज रख लई, असां आसियां दी लाज रख लई, तेरे पुत्रां दे
जहरा तेरे पुत्रां दे, तेरे पुत्रां दे कमी जहरा, तेरे पुत्रां दे कमी जहरा। ऐशा जी जब आपसे मेरी मुलाकात हुई अल्लाह के घर में, फिर मदीना मुनव्वरा में भी, तो मैंने और शाह जी ने मिलके सफा मरवा की दौड़ लगाई। एक बंदा व्हील चेयर पे था, तो मैंने उसको पूछा और मैं क्या तू क्यों औखा है, बीमार है ना ला दो। मैंने कहा नहीं, 200 रियाल दूंगा, व्हील चेयर से कोई थका लाएगा मेरा उम्रा मुकम्मल होगा। मैं क्या क्यों, मैंने कहा हजरत हाजरा की सुन्नत है, अगर ना दौड़िया तो उम्रा मुकम्मल नहीं होगा। मैंने कहा इतनी शान है उस बीबी की, कहता हाँ। मैं क्या क्यामत वाले दिन हजरत हाजरा की सवारी आएगी, आवाज आएगी, कहता नहीं आएगी। आवाज कब आएगी, कहने लगा जब मेरे मुस्तफा की बेटी की सवारी आएगी, अल्लाह के दरबार से आवाज आएगी। आंखें बंद करके कर्तनों को झुका लो, मोहम्मद की बेटी की सवारी आ रही है। सैयदा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं जिस भाई की तरफ सफर कर रहा हूँ उसके दो शेर पढ़ा, इतने ना पढ़ा जो उसके पढ़े ना, इतने क्यों ना पढ़ा। हाकम साहब कोई ऐसी महफिल नहीं, मैंने 32-33 दिन में 65-66 प्रोग्राम यूके में पढ़े, देर रात अल्हम्दुलिल्लाह दे दो दो तीन तीन प्रोग्राम नेट पे पढ़े, लेकिन कोई जगह ऐसी नहीं जिथे मैं हाकम साहब का कलाम ना पढ़े हो। केड़ा इश्क नबी है प्यार अली है, छुट्टी मेरा भी हक चार यार भी ऐसा पढ़िया है। ये दलील देने वास्ते नहीं खलोता कि मेरे बंदे जान तो बाद तू की है, मैंने ये जरूरत कोई नहीं, लेकिन सुन्नी माँ का पुत्र हलाली है, हलाली है, जलाली साहब हलाली है, हलालिया का काम है अपनी डेफिनेशन अपना तारफ अपने इंट्रोडक्शन करा के जाना। तवज्जो क्या क्या रहा है, अहमदनी हाकिम क्या, इश्क नबी है प्यार अली है, दिल है नबी दिलदार अली, इश्क नबी दो शेर छुट्टी है प्यार मेरी तरफ नहीं आता, इश्क नबी है प्यार अली है, ये तो अहमदनी हाकिम है। रूप कमारी कभी बुद्धों को पूछती है, कभी टमड़ा को पूछती है, कभी कंका को पूछती है, कभी दरख्तों को पूछती है, सूरज चढ़ा उसने सूरज को पढ़ा, अरे किसी किसी को अरे मान मान के, लेकिन जब मौला अली की बारी आई कहती वाह मौला तेरी शान थी, तेरी शान का इकरार करती हूँ, बुत परस्त हूँ लेकिन बुत शिकन से प्यार करती हूँ, बुत परस्त हूँ लेकिन बुत शिकन से प्यार करती हूँ। या अली है तेरी बिला में सलामती, जो तेरा अदू है बुलानती, मैं तुझको इतना हूँ जानती, तू है फातिमा का धर्मपति, वजह क्या है, इश्क नबी है प्यार अली है, इश्क नबी है प्यार अली है, दिल है नबी दिलदार अली है। आखिरी से किसके निकाह में तू ये जहरा, सारे शायर बैठे हो की हक ने कहा, नहीं जेदा दिल इजाजत देवे, जेदा दिल इजाजत देवे, जेदा दिल इजाजत देवे, कैमरा मैन भाई कैमरा घुमाना, मैनू हुण बंदा भी खाई जेड़ा अली वाला होवे ते हाथ ना चुके, किसके निकाह में तू ये जहरा, हक ने कहा हकदार अली, हकदार 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 हकदार, किसके निकाह में तू ये जहरा, किसके निकाह में तू ये जहरा, किसके निकाह ने तू ये जहरा, हक ने कहा हकदार हकदार हकदार, तुझे हकदार अली है फिर तू गूंगा बन के क्यों बैठेगा। मेरे नाल बोली मन कुंतो मौला अली, बस बस चूम जाए इधर ते जी बस बिस्मिल्लाह, पीछे मुड़ के वेखण दा घट याद ही है, लेकिन अज जरूर वेखना है। सैयद आए ने फिर सैयद आए ने
ते फिर सैयद आए की दछा सैयद कितों आए और जियो बेटा लजने बिस्मिल्लाह हाथ उठा के हाथ उठा के मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला मेरे नबी ने बोला मैं जिसका मौला है उसका मौला चारां दे अंदर पंचां दे अंदर दसां दे अंदर बारां दे अंदर तमस्त कलंदर तेरे दिल के अंदर मेरे दिल के अंदर नारा हैदरी हैदरी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया है आज भी सिद्दीक उमर जिंदा जहां में है आज भी सिद्दीक उमर जिंदा जहां में महबूब के कदमों में बका है कि नहीं है अल्लाह हमें सहाबा पाक का अदब इहतराम अहले बैत तहार से मुअद्दत की तौफीक अता फरमाए शाह साहब किबला का शुक्रिया डॉक्टर साहब हमेशा आप तबस्सुम में रहे फिर तबस्सुम में रहे अल्लाह आपको सलामत आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ मकबूल अरबोजम सना खान जिनका हर कलाम पांचवा कलाम है जिनके कलाम का मुखड़ा भी पांचवा कलाम है सताई अंतरा भी पांचवा कलाम है मतलब मक्ता भी पांचवा कलाम है हर कलाम का हर शेर पांचवा शेर है अल्लाह ने अंतर पाक की मोहब्बत में इस शख्स को इतना मलका अता कर रखा है कि कम ही लिखने वालों को नसीब हुआ है जनाबे अहमद अली हाकिम साहब से मुल्तमिस हो गया कि आप तशरीफ लाएं और अपनी हाजिरी पेश करें 19-20-21 नवंबर को सालाना उर्स मुबारक है बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी साहब का शहर लाहौर में शिरकत करें इंशाल्लाह शिरकत करके सवाब दार हासिल फरमाएं एक नारा नारे तकबीर फिर बोलिएगा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत लब्बैक